हेलो स्टूडेंट, दिस इज रुपेश। आज का क्लास है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, जो कि क्लास वन है। आगामी एग्जाम छात्रावास अधीक्षक, छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती और साथ ही सहायक विकास विस्तार अधिकारी, यानी कि तीनों ही एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही बीच बीच में आपको करंट अफेयर एवं साथ ही जून जुलाई में जो होने वाली है राष्ट्रपति से संबंधित चुनाव के लिए, उसके लिए राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन बनेगा इस वीडियो में बनेंगे। ओके, साथ ही सब इंस्पेक्टर की क्लास है और सब इंस्पेक्टर में जैसे कि प्री और मेंस, ये दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की, जो कि आज क्लास वन है और आज से ही क्लास स्टार्ट हो चुका है। डेली आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लासेस कराई जाएगी। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। छात्रावास अधीक्षक भर्ती में सामान्य ज्ञान से 20 नंबर के पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से 20 नंबर के पूछे जाते हैं, यानी कि दोनों को मिलाकर 40 नंबर, यानी कि डेली आपको 40 नंबर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। और आज का क्वेश्चन है 40 MCQ। तो आज का पहला प्रश्न है, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? ओके, साकेत किसकी रचना है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की है। सेकंड क्वेश्चन है कि विश्व में बैंक ने अत्यंत गरीब के लिए क्या मानक स्थिति स्थापित किया है, यानी कि ये वर्तमान में जो चल रहा है उनके लिए है। विश्व में बैंक ने अत्यंत गरीब के लिए क्या मानक स्थापित किया है? तो इसका आंसर बी होगा, 167 रुपये, जो कि विश्व बैंक ने 167 रुपये गरीब के लिए क्या मानक स्थापित किया है, 167 रुपये के। पहले देखिए, पहले सबसे इम्पोर्टेंट है पहले के लिए, जो कि रिपोर्ट 145 रुपये था। अभी विश्व बैंक ने अत्यंत गरीब वर्तमान में 167 रुपये बताया गया है, जो कि स्थापित हुआ है। ओके, साथ ही आगामी एग्जाम छात्रावास अधीक्षक, सहायक विकास विस्तार अधिकारी और सब इंस्पेक्टर प्री और मेंस के लिए तीनों एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि देखिए, 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के एक विधायक के वोट की कीमत कितनी है? एक विधायक है जिसकी वोट की कीमत कितनी है वर्तमान में, ठीक है। अभी देखिए, 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो छत्तीसगढ़ के एक विधायक की वोट 275,000 है, ठीक है, 275,000 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 विधानसभा सीट और जनसंख्या लगभग 2,50,00,000 के आधार पर एक विधायक का वोट कीमत बनता है। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष होता है। देखिए, अगर आपको कहीं पर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। ओके, कॉपी पेन साथ में रख लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा। और यह देखिए, इसका PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा और इस वीडियो में हमारे YouTube चैनल पर ग्रुप दिया गया है, WhatsApp ग्रुप, आप उसमें जाके जुड़ सकते हैं। डेली आपको व्यापम की तैयारी कराया जा रहा है, ठीक है। और आज से क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्लास वन है हमारा, ठीक है, व्यापम की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ये करंट अफेयर है वर्तमान में, जो हाल ही में अभी हुआ है, ठीक है, करंट अफेयर आप कॉपी में नोट करते चलिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम में वेट लिफ्टिंग का माध्यम से कौन सा पदक जीता है? आप सभी ने अभी एग्जाम में देखा होगा, यहाँ पर आप देखा होगा कि हाल ही में अभी ज्ञानेश्वरी यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम में वेट लिफ्टिंग के माध्यम से स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, याद रखिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। करंट अफेयर है, आपको मैं बोला था कि सामान्य ज्ञान की तैयारी करवा रहा हूँ व्यापम की, साथ ही बीच बीच में आपको करंट अफेयर भी कराया जाएगा। ओके, चलिए। और सबसे इनमें देखिए कि यहाँ पर जो 4 जून से आयोजित हरियाणा के पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए यह पदक हासिल किया है, किसने हासिल किया है? ज्ञानेश्वरी यादव ने। 4 जून, याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी में, 4 जून से ही आयोजित हरियाणा के पंचकूला में खेलो इंडिया यूथ गेम में नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए यह पदक हासिल किया है। अब यह राजनांदगांव में स्थित है, राजनांदगांव में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
वर्तमान में अभी देखिए हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, आप याद रख लीजिए और कॉपी में नोट कीजिएगा, है ना, ये आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल कर सकता है। वर्तमान में पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो कितने बिजली का उत्पादन हो रहा है, 2984.17 मेगावाट, कितना हो रहा है, 2984.17 मेगावाट हो रहा है। तो इसका देखिए आप इसके बाद एमसीक्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कि 2021 की स्थिति में यानी कि 31 अक्टूबर 2021 की स्थिति में तापीय विद्युत का कितना है, 2840 मेगावाट है, तापीय विद्युत का 2840 मेगावाट है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए आपको ये अंकीय याद करना कठिन होता है, लेकिन आप थोड़ा देखिए एक बार दो बार वीडियो को देख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला जो कि सामान्य ज्ञान करा रहा हूँ जी। बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली आपको सामान्य ज्ञान से क्लास कराया जाएगा व्यापम से, और आज ही हमारे चैनल पर दोपहर 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब जल विद्युत की बात करें तो 2021 की स्थिति में कितना है, 138.7 मेगावाट है, जल विद्युत की 138.7 मेगावाट है 2021 की स्थिति में। अन्य देखेंगे कि सह उत्पादन में 6 मेगावाट है और कुल विद्युत क्षमता कितनी है हमारा, 2984.7 मेगावाट, जो कि मैं अभी आपको बताया हूँ ये वाला। ये जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में कितना बिजली का उत्पादन हो रहा है, तो 2984.17 मेगावाट, याद कर लीजिएगा, ये आगामी एग्जाम में आपका आ सकता है, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है ये वाला प्रश्न, ठीक है। तो सभी एग्जाम में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वीडियो। चलिए छत्तीसगढ़ की सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है, यहाँ पर 5वां क्वेश्चन कहता है कि छत्तीसगढ़ में पौष माह की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला निम्न में से कौन सा त्यौहार है जिसमें बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं, यानी कि देखिए सभी बच्चे हैं जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े भी रहते हैं, वो घर घर जाकर मांगते हैं, क्या मांगते हैं, धान मांगते हैं, तो उसको क्या कौन सा वो त्यौहार बोला जाता है जो माह की पूर्णिमा में मनाया जाता है, छेरछेरा, ठीक है। आप सभी को पता होगा कौन सा त्यौहार है, छेरछेरा है ना, छेरछेरा त्यौहार है जो बच्चे घर घर जाकर अन्न की मांग करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है तो कमेंट कर सकते हैं, देखिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक जरूर बनिएगा। ये वर्तमान में जो हो रहा है वो करेंट अफेयर भी बताया जाएगा, और राष्ट्रपति देखिए जून और जुलाई में जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है जो अभी हो रहा है हाल ही में, उसके लिए राष्ट्रपति से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कराऊँगा। अब पूछा गया है 6वां क्वेश्चन में, सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने हैं, तो देखिए सन 2000 में कौन कौन से जो 3 राज्य बने हैं तो देखेंगे, तो छत्तीसगढ़ राज्य, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, इसका आंसर पहला होगा ए, जो कि छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड है जो 2000 में 3 राज्य बने हैं। तो चलिए देख लेते हैं, वो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आगामी एग्जाम में आ सकता है ना। देखिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई है और 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन है, तो जो हाल ही में देखिए लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष हैं पीएससी द्वारा, पीएससी लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी ने आयोग के निम्न अध्यक्ष कौन है, तो वो है श्री टोमन सिंह सोनवानी जी हैं, ठीक है, टोमन सिंह सोनवानी जी हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये, देखिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से, गेवरा दीपिका एम कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं, ये देखिए कॉपी में नोट कर लीजिएगा ये वाला क्वेश्चन, गेवरा दीपिका एम कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं, तो ये कोयला खदान के लिए जाना जाता है, किस लिए जाना जाता है, कोयला, और कहाँ मिलता है, कोरबा में, कहाँ मिलता है, कोरबा जिले में, गेवरा दीपिका एम कुसमुंडा कोयला खदान के लिए जाना जाता है और कोरबा जिले में है, ठीक है। अब देखिए कोरबा जिले की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोरबा जिले में अन्य मुकुंद घाट, मानिकपुर और फुटका पहाड़ी, ये याद रख लीजिएगा, कोरबा जिले के अन्य कौन कौन सा है, मुकुंद घाट, चलिए दोहराइएगा हमारे साथ, मुकुंद घाट, मानिकपुर, फुटका पहाड़ी, ये तीनों, ठीक है।
गेवरा दीपिका एम कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? कमेंट कीजिएगा कि गेवरा दीपिका एम कुसमुंडा किस लिए जाने जाते हैं? कोयला खदान के लिए। चलिए नौवां क्वेश्चन है, सितंबर 1942 में छत्तीसगढ़ के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर, नागपुर में निम्न में से किस गतिविधि में भाग लिया? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, संपूर्ण हड़ताल आयोजित करना, ये गलत। उसके बाद ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलान, ये भी गलत है। हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा फहराना, ये सही है, जो कि सितंबर 1942 में छत्तीसगढ़ के एक विद्यार्थी रामकृष्ण सिंह ठाकुर ने नागपुर में हाई कोर्ट के भवन पर तिरंगा फहराना गतिविधि में भाग लिया। नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आज से ही सामान्य ज्ञान की और करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो गई है, दोपहर 12 बजे से रहेगी। डेली क्लास आपका दोपहर 12 बजे से रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। 10वां प्रश्न है, मन्यारी नदी के तट पर स्थित चर्चित पर्यटन स्थल जहाँ से रुद्र शिव की मूर्ति मिलती है, यानी रुद्र शिव प्रतिमा की मूर्ति मिलती है, तो जो मन्यारी नदी के तट पर स्थित है ना, मन्यारी नदी के तट पर स्थित एक चर्चित पर्यटन स्थल जो कि रुद्र शिव प्रतिमा की मूर्ति है, वो कहाँ से मिली है? तालागांव से। कहाँ से मिली है? तालागांव से। कमेंट कीजिएगा तालागांव से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको एक बता देता हूँ कि जिला बिलासपुर में मन्यारी नदी लोरमी का पठार आप पढ़े होंगे। देखिए मैं पिछले वीडियो में थ्योरी क्लास कराया हूँ सामान्य ज्ञान की, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास चली है और हमारा MCQ डेली आज से रहेगा जी। छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करने के लिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही सहायक विकास विस्तार अधिकारी में भी सामान्य ज्ञान पूछा जा रहा है, और व्यापम से देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हो गया है छात्रावास अधीक्षक हो गया है, सब इंस्पेक्टर की क्लास जो कि प्री और मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, है ना, शेयर कीजिएगा जो काफ़ी स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, प्री और मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह क्लास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकवि कालिदास के छत्तीसगढ़ आगमन के समय यहाँ के शासक कौन थे? तो चलिए कमेंट कीजिएगा कौन सा है, महाकवि कालिदास के छत्तीसगढ़ के आगमन के समय, ठीक है, छत्तीसगढ़ आगमन के समय यहाँ के शासक कौन थे? तो यहाँ के शासक कौन थे चलिए बताइए, प्रवर सेन थे, ठीक है, प्रवर सेन थे जो महाकवि कालिदास के छत्तीसगढ़ के आगमन के समय शासक थे। अब इसका देखिए आपको थ्योरी में बता देता हूँ कि यहाँ पर आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन टाइप कर लीजिएगा, कि वाकाटक वंश के शासक यात्रा के दौरान सरगुजा के रामगढ़ रामगिरी की पहाड़ी में मेघदूत ग्रंथ की रचना, और साथ ही सरगुजा को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। तो देखिए सरगुजा का स्वर्ग द्वार किसे कहा जाता है, यह IMP क्वेश्चन है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा, वाकाटक वंश के शासक यात्रा के दौरान सरगुजा के रामगढ़ रामगिरी की पहाड़ी में मेघदूत ग्रंथ की रचना की, और साथ ही सरगुजा को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सरगुजा का स्वर्ग का द्वार किसे कहा जाता है, तब बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सरगुजा के क्षेत्र में प्रमुखतः निवासरत कौन सी जनजाति है? तो सरगुजा में कौन सी जनजाति निवास करती है? देखिए अब छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास तो चल ही रही है, तो वहाँ से आपको जनजाति की क्लास आपको डेली करना है, जनजाति से एक न एक क्वेश्चन व्यापम में ज़रूर आता है, ठीक है, आप समझ में रहे ना, जनजाति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रमुख त्यौहार हो गया है, जनजाति कौन कौन से कहाँ निवासरत है, यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे, और ये शिल्पकार यहाँ से बनते हैं, ठीक है, छत्तीसगढ़ के जनजाति से आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा प्रमुख त्यौहार और क्या क्या है जो भी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसका आंसर नहीं बताया क्या मैंने, है ना, चलिए इसका आंसर क्या होगा, सरगुजा क्षेत्र के प्रमुख निवासरत कौन सा है? तो सरगुजा क्षेत्र में निवासरत है उराव जनजाति, ठीक है, सरगुजा क्षेत्र में उराव जनजाति निवासरत है।
तो आप तीनों का कमेंट करके बताइएगा कि बैगा, बिंझवार और गोंड कौन से ज़िले में प्रमुख निवास रहते हैं, इसका आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा कि इसके कौन कौन से ज़िले में निवास रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अत्याचार, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला, अत्याचार करने के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा मुहावरा प्रयोग लाया जाता है। तो अत्याचार करने के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा मुहावरा का प्रयोग लाया जाता है, चलिए आप बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, छानी माँ होरा भुंजना, जो कि अत्याचार करने के लिए मुहावरा का प्रयोग लाया जाता है। नहीं देखिए चंदू, यहाँ पर अब बोला गया है, चंदू जी बोल रहे हैं कि झोरी धरना कैसे होगा, झोरी धरना नहीं होगा भाई। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में यह मुहावरा पूछा गया है कि अत्याचार करने के लिए कौन सा मुहावरा का प्रयोग किया गया। अत्याचार मतलब छानी माँ होरा भुंजना, आप समझ रहे हैं ना, ये भी नहीं होगा। देखिए सोनू का आंसर सही आ रहा है जी, सोनू का आंसर सही आ रहा है, छानी माँ होरा भुंजना, अत्याचार करने के लिए मुहावरा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, देखिए अब व्यापम में भी पूछता है कि जनगणना से आपको क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ पूछा गया है कि वर्तमान में अभी पूछा जा रहा है, सबसे ज़्यादा वर्तमान में जनगणना से एग्जाम में आते हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपको जनगणना से मिल ही जाएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है जी। राहुल बोल रहा है यस सर, ठीक। 2011 के जनगणना के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है, तो जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत कितना है, 22.6%। 2011 के जनगणना के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि का प्रतिशत 22.6% है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सर्वाधिक पूछा जाए तो सर्वाधिक कवर्धा में है, 40.71%, और न्यूनतम बीजापुर में पूछा जाए तो 8.78, ठीक है जी। देखिए यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य में जनसंख्या की वृद्धि 22.6% है, तथा सर्वाधिक की बात करें तो कवर्धा है और न्यूनतम की बात करें तो बीजापुर, ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्योत्सव में दिया जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र में संबंधित है। तो डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पर राज्योत्सव में दिया जाने वाला सम्मान किस क्षेत्र में है, देखिए डॉक्टर खूबचंद बघेल को किस क्षेत्र में सम्मान दिया जाता है, कृषि के क्षेत्र में, ठीक है, कृषि के क्षेत्र में डॉक्टर खूबचंद बघेल को सम्मान दिया जाता है, जो कि 2021 में श्री मुकेश चौधरी को दिया गया था रायगढ़ जिले में, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2021 में किसे दिया गया था, मुकेश चौधरी को रायगढ़ में दिया गया था। 16वां क्वेश्चन है, दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज एलेक्जेंड्राइट किस स्थान पर मिलता है। ये व्यापम में काफी पूछा गया है, काफी बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज एलेक्जेंड्राइट किस स्थान पर मिलता है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, सेंदमुड़ा। सेंदमुड़ा में दुर्लभ एवं बहुमूल्य रत्न खनिज एलेक्जेंड्राइट मिलता है, ठीक है। चलिए इसका एक बार और टॉपिक बता देता हूँ कि देवभोग तहसील से सेंदमुड़ा लाटापारा क्षेत्र में गरीबों का अभिशापित रत्न कहा जाता है। तो आप एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है कि लाटा पर, देखिए यहाँ पर गरीबों का अभिशापित रत्न किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि गरीबों का अभिशापित रत्न सेंधमुड़ा को कहा जाता है, जो कि देवभोग तहसील के सेंधमुड़ा लाटापारा क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली आपको व्यापम की तैयारी कराया जा रहा है सामान्य ज्ञान से, ठीक है। एडीओ की तैयारी भी कराया जा रहा है, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कराया जा रहा है, और सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी कराया जा रहा है, यानी कि तीनों एग्ज़ाम की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल पर कराया जा रहा है, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
डेली आपको सामान्य ज्ञान कराया जाएगा, प्लस बीच बीच में करंट अफेयर भी बताया जाएगा और साथ ही राष्ट्रपति से संबंधित क्लासेस भी रहेगी। जी बिल्कुल, संविधान से पूछा गया प्रश्न भी कराएंगे। कंप्यूटर का प्रश्न, देखिए कंप्यूटर से जो पूछे जाने वाला प्रश्न है वो टॉपिक 6:00 की क्लास में होती है। 17वां क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के सितार वादक, अब यहाँ से आपको समझ में आ गया हो कि व्यापम में देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़, आप सीधा अब बता सकते हैं ना कि सितार वादक किससे संबंधित है, बुद्धादित्य मुखर्जी से। तो यहाँ पर देखिए इतना सब दिया गया है, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सितार वादक से आप समझ जाओगे बुद्धादित्य मुखर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी किस स्थान को कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से पूछा जाएगा, चिल्पा घाटी, मैनपाट, कांकेर घाटी, यहाँ से आपको बिल्कुल प्रश्न बनेंगे, यानी कि आपको घाटी से संबंधित प्रश्न, पर्वत, पहाड़, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से। चलिए मैं आपको छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्लास 2 में आपको करा दूंगा फूलों घाटी से संबंधित, पर्वत पहाड़ से, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ठीक है। छत्तीसगढ़ में फूलों की घाटी केशकाल घाटी को कहा जाता है, किसे कहा जाता है, केशकाल घाटी को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, 1 घंटे की क्लासेस रहेगी यूट्यूब चैनल पर, 1 घंटे की क्लास, ठीक है, बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको व्यापम में पूछा जाएगा ये सब प्रश्न। 19वां क्वेश्चन है कि 1923 में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने के लिए इस राज्य के कांग्रेस जनों ने किस स्थान तक पैदल यात्रा की, तो काकीनाडा आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, काकीनाडा, ठीक है, काकीनाडा आएगा, जो कि देखिए इसका थ्योरी मैं बता देता हूँ, ये कॉपी में नोट कर लीजिएगा। स्थानीय जनजाति में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए नारायण राव मेघावाले और उनके साथियों धमतरी से बस्तर होते हुए काकीनाडा तक पैदल यात्रा की थी, नोट कर लीजिए कॉपी में, बिल्कुल राहुल नोट कर लीजिएगा, नहीं ये पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगा, 2-3 दिनों बाद मिलेगा जी। अगर वीडियो में एक बार में समझ में नहीं आता तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, कहीं भी आ रहे हो जा रहे हो घूमने जा रहे हो तो सुनते हुए चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, जो नए हैं वीडियो में, जो नए बच्चे आ रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, बिल्कुल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, डेली क्लासेस आपको कराया जाएगा, व्यापम की तैयारी कराया जा रहा है। मैं पिछले बार बार बता रहा हूँ, पिछले 2 दिनों से बता रहा हूँ कि 25 जून से क्लास स्टार्ट हो गया है, ठीक है। चलिए, राजिम किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर आप बताइएगा, चलिए इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिएगा, है ना, राजिम किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किसने की थी, कमेंट कीजिएगा, चलिए कमेंट करें, राजिम किसान मजदूर सभा की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर कौन सा होगा। देखिए बहुत लोगों का आंसर आ रहा है पंडित विष्णु दत्त शुक्ल, राहुल का आंसर गलत आ रहा है, माधवराव सप्रे नहीं होगा, कैसे होगा, नहीं होगा, ये निर्मला का भी आ रहा है कमेंट कि माधवराव सप्रे होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ 7-8 लोगों का पंडित विष्णुदत्त शुक्ल आ रहा है, ठीक है, ये सही होगा, बी होगा आंसर, है ना। राजिम किसान मजदूर सभा की जो अध्यक्षता किसने की थी, विष्णुदत्त शुक्ल ने की थी, ठीक, हाँ इसलिए कह रहा हूँ जी, डेली क्लासेस करते रहिएगा। कंप्यूटर में कितने प्रकार के मेमोरी पाया जाता है, मैं सभी के एग्जाम की तैयारी करवाऊँगा बोल रहा हूँ ना, हाँ करेंट अफेयर भी रहेगा, सामान्य ज्ञान भी रहेगा, कंप्यूटर, तीनों ही एक साथ रहेगा, मिक्सिंग रहेगा, मिक्सिंग वीडियो है। कंप्यूटर कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, तो कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, आप सभी को पता होगा, स्थाई मेमोरी और अस्थाई मेमोरी पाई जाती है, 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है। कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार की मेमोरी पाई जाती है, ठीक है। चलिए वीडियो लंबा हो रहा है क्या,
वीडियो लंबा हो रहा है तो चलिए भाग टू में डिवाइडेड कर देते हैं, है ना। चलिए भाग टू में डिवाइड कर देते हैं। यह भाग वन है, भाग टू डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दिया गया है, चलिए जाके ज्वाइन कर लीजिएगा।